5। सिंग सिंग का राज। सिंग सिंग काम के बाद वापस शहर लौट रही है। मैं आ गई। सिंग सिंग आ गई। हेलो। ठीक समय पे आई, हम लोग गाना बस शुरू करने ही वाले थे। तो चलो मिलकर गाते हैं सिंग सिंग। गाना मैं गाऊं? कोई मजेदार गाना गाते हैं। हाँ, कौन सा गाना गाएं? माफी चाहती हूँ दोस्तों, दरअसल मुझे आज जल्दी सोने जाना है, इसलिए मैं नहीं गा पाऊंगी। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अगली बार गाएंगे। बाय। गुड नाइट। तो क्या हम लोग शुरू करें दोस्तों? कितना बेसुरा गाया। सिंग सिंग कोई बात नहीं, मुझे शर्म आ रही है। काश मैं भी अच्छा गा पाती। आज सिंग सिंग की छुट्टी है। समझ नहीं आ रहा कि आज के दिन मैं क्या करूं। सिंग सिंग, कैसी हो दोस्त? चलो घूमने चलते हैं, मजे करेंगे। अच्छा ठीक है। बढ़िया, तो क्या साथ में गाना गाओगी? गाना मैं गाऊं? हाँ, कल तो तुम बचकर निकल गई थी, आज नहीं बच पाओगी तुम। मुझे याद आया, मुझे आज काम पर जल्दी जाना है, माफी चाहती हूँ, मुझे जाना होगा। क्या? पर मुझे पता है कि आज तुम्हारी छुट्टी है। मेरा मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे साथ नहीं गाना चाहती? क्या? नहीं ऐसा नहीं है। फिर क्या बात है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या तुम हमें पसंद नहीं करती हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या बात है? सच कहूँ तो मैं गाना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं गा पाती। अच्छा? कुछ दिन पहले मैं सबके साथ गाते हुए बहुत बेसुरा गाने लगी, मैं एकदम से शर्मिंदा हो गई थी। मैं समझ सकता हूँ। काश मैं भी तुम सबके जैसा अच्छा गा पाती। तो हमारे सामने गाओ। हाँ गाओ, हम तुम्हें सिखा देंगे। अभी अगर मैंने फिर से गलत गाया तो? कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे। तो कोशिश करती हूँ। छोड़ चले शहर और भीड़ भाड़। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। थोड़ा ऊंचा गाने की कोशिश करो। हाँ, छोड़ चले शहर और भीड़ भाड़। मैं नहीं गा पाऊंगी। अच्छा तो तुम्हें हम दोनों के सामने गाने में झिझक हो रही है? तो तुम तब प्रैक्टिस करो जब कोई पास ना हो। आओ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। जब कोई पास ना हो? हाँ, तुम प्रैक्टिस करोगी तो अच्छे से सीख जाओगी। सच? ये बताने के लिए शुक्रिया, मैं आज ही प्रैक्टिस शुरू करूँगी। जरूर, बाद में मिलते हैं। गुड लक सिंग सिंग। शुक्रिया, बाय दोस्तों। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? प्रैक्टिस करने के लिए सिंग सिंग खाली ऑडिटोरियम में जा रही है। इस समय यहाँ कोई नहीं आएगा। जल्दी करो। ओ, हेलो सिंग सिंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तो मैं। शायद मुझे पता है। तुम गार्डियन एक्स देखने के लिए काफी जल्दी आ गई ना? हाँ, सही कहा, मैं चाहती थी मुझे कोई अच्छी जगह मिले। क्या तुम्हें अभी गाने की आवाज नहीं सुनाई दी? तुमने गाना सुना? हाँ सुना, शायद ऐसा गाना जो मैं जानता हूँ, शायद गलती लगी होगी। क्योंकि मैंने नहीं सुना। देखो गार्डियन एक्स का समय हो रहा है। अजीब बात है। अरे शो शुरू हो रहा है। बाल बाल बच गई। यहाँ कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय मिस्टर हर्ब, वो मैं। कितनी अच्छी हो, मैं मछलियाँ पकड़ने आया था, तुम मुझे लेने आ गई। सर, हाँ सही कहा। शुक्रिया सिंग सिंग, इतना ध्यान रखने के लिए। ये मेरा फर्ज है। चलो चलते हैं। पता नहीं कब प्रैक्टिस कर पाऊंगी। सिंग सिंग प्रैक्टिस करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रही है। ठीक है, ये जगह सही है। हेलो सिंग सिंग। हेलो मैम।
ये जगह भी शायद ठीक नहीं है। यहाँ इसकी आवाज में किसी को सुनाई नहीं देगा। तेरे 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 टिपो छोड़ चले और शहर के भाओ। क्या ये खराब हो गया? मैं यहाँ भी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। सुनसान जगह है। अरे हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं होता, एकदम वीरान है वो। हाय दोस्तों। हेलो सिंह सिंह। हेलो। तुम दोनों किस जगह की बात कर रहे हो? अजीब जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया में एक पुराना गोदाम है जो कि एकदम सुनसान पड़ा है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे डर लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है, माल गाड़ियाँ बहादुर होती हैं। कौन सी जगह है लोगो? मेरे ख्याल से वो स्टील की फैक्ट्री का पुराना गोदाम है। अच्छा, शुक्रिया लोगो, मुझे कहीं जाना है। बाय दोस्तों। बाय बाय। शुक्रिया? उसने मुझे शुक्रिया क्यों कहा? मुझे भी नहीं पता। टिटिपो टिटिपो। सिंह सिंह पुराने गोदाम की ओर चल पड़ी। वाह, वाकई बहुत सुनसान जगह है। शायद वो होगा कोई पुराना गोदाम। अंदर चलती हूँ। हाँ, यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा मुझे। ठीक है, शुरू करती हूँ मैं अब। अगले दिन सिंह सिंह फिक्स और लिफ्ट के पास आई। हाय फिक्स, हाय लिफ्ट। हे, हाय सिंह सिंह। हेलो, क्या तुमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है? हाँ, मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली है। वाह, कौन सी जगह है? इंडस्ट्रियल एरिया में एक पुराना गोदाम है, वो इस्तेमाल में नहीं है इसलिए खाली है। अच्छी जगह है। जब अच्छा गाने लगो तो तुम्हें हमारे साथ गाना होगा, ठीक है? वादा? वादा रहा। चलती हूँ, मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। अच्छे से करना। कभी आया पुल और कभी पहाड़, फिर आया जंगल, जंगल छोटी चिड़िया बोली ची 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 ची। आओ, मैंने एक भी गलती नहीं की। ये काम के बाद डीजल इंडस्ट्रियल एरिया से गुजर रहा है। ओह, यही वो जगह है जो लोगों ने बताई थी, पर ये डरावनी तो बिल्कुल भी नहीं है। ओह, ये आवाज कैसी है? या तो कोई नहीं है, यहाँ कोई भूत नहीं है। शायद कोई आवाज सुनाई दी है अभी, मेरा वहम होगा। सुनो दोस्तों, मुझे बचाओ। क्या हो गया? बताओ क्या बात है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक भूत है और मैंने उस भूत की आवाज सुनी है। भूत? जरूर तुम्हें गलती हुई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो गा रहा था। वो डरावना था। सच में? वो आवाज कहाँ से आ रही थी? मेरे ख्याल से स्टील के पुराने गोदाम से आ रही थी। स्टील के पुराने गोदाम से? अरे नहीं, सिंह सिंह इस समय उस गोदाम में ही है। क्या, अगर सिंह सिंह को भूत ने पकड़ लिया तो क्या होगा? हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। चलो सिंह सिंह को बचाते हैं। हाँ, चलते हैं। हाँ। छोटी रेलगाड़ियाँ सिंह सिंह को ढूंढने के लिए गोदाम जा रही हैं। सिंह सिंह, सिंह सिंह कहाँ हो तुम? जवाब दो। अगर उसका अपहरण हो गया होगा तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो पक्का ठीक होगी। ये भूत की आवाज लगती है। मुझे डर लग रहा है। रुक जाओ दोस्तों, शायद आवाज यहाँ से आ रही है। ये तो कोई गा रहा है। ये पक्का वही भूत गा रहा है। मतलब उसने सिंह सिंह पर कब्जा कर लिया है। चलो उसे बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन तक गिनने के बाद एक साथ अंदर जाएंगे हम। समझ गए। एक, दो, दो तीन। सिंह सिंह, तुम ठीक हो ना? कहाँ चला गया वो भूत? कौन सा भूत? हाँ, हमने अभी अभी भूत की डरावनी आवाज सुनी थी। कोई भूत डरावना गाना गा रहा था। गाना गा रहा था? गाना तो मैं गा रही थी। तुम? इसका मतलब कोई भी भूत नहीं है। हमें लगा यहाँ कोई भूत है, इसलिए हम सब तुम्हें बचाने के लिए आए थे। सच में तुम्हें डर लग रहा था तब भी तुम सब यहाँ आए? हाँ, इसका मतलब तुमने मुझे गाते हुए सुना है ना? हमें लगा भूत गा रहा है। क्या? लेकिन तुम्हें
इस पुराने गोदाम में क्यों गा रही हो? क्योंकि मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ और मैं तुम्हारे सामने गा ही नहीं पाती थी, इसलिए मैं यहाँ अकेले प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा, लेकिन अभी तो हमने तुम्हें बहुत अच्छा गाते सुना। अच्छा गाते हुए, पर उतना नहीं जितना मैं गाता हूँ। अगर मुझसे पूछो तो तुम बहुत अच्छा गाती हो सिंह सिंह। सच में? शुक्रिया दोस्तों। इसका मतलब सबको तुम्हारा गाना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर ऐसा है तो सिंह सिंह चलो तुम्हारा गाना सुनते हैं। अगर तुम कहते हो तो। कभी आया पुल और कभी पहाड़, कभी आया पुल और कभी पहाड़, फिर आया जंगल, जंगल, छोटी चिड़िया बोली ची 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 ची। एक बार फिर से। ऐसा लगता है अब सिंह सिंह में अपने दोस्तों के सामने गाने का आत्मविश्वास आ गया है। भूत आया। रेलगाड़ियां रात को भी चलती हैं और आज रात को लोगों की ड्यूटी है। हाय मिस्टर हब। लोको, लगता है आज तुम्हारी रात की शिफ्ट है। जी, मेरी पहली रात की शिफ्ट है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। डरो मत, वैसे ही करो जैसे हमेशा करते हो। ठीक है। तुम्हारे जाने का समय हो गया है, जब वापस आओगे मैं मिलूंगा। ठीक है। कितना अंधेरा है, बहुत ही डरावना माहौल है। डर लगने के बावजूद लोगों ने काम पर जाने की हिम्मत जुटा ली। अकेले जाते हुए कितना डर लगता है। नहीं नहीं, मैं नहीं डर रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा, लेकिन अच्छा होगा कि काम जल्दी खत्म हो जाए। अरे ये क्या था? सारी लाइटें भी बुझ गई है। कितना डरावना है ये सब। मैं गिर रहा हूँ। अरे नहीं, लोगों तो पटरी से उतर गया। मदद करो। अगले दिन की शुरुआत हुई। लोको! टीटीपो! क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम गिर गए थे। हाँ, मैं तेज जा रहा था क्योंकि डरा हुआ था और गिर गया। बहुत बुरा हुआ। हाँ, और पता है मेरी कल की भी रात की शिफ्ट है। अरे नहीं, रात को काम करते हुए मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, तुम्हें डैनी से बात करनी चाहिए। डैनी? डैनी कौन है? वो रेल जो ट्रैक्स की जांच करती है, वो रात को काम करता है। मुझे यकीन है डैनी तुम्हारी मदद कर पाएगा। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। ठीक है। मेरे पीछे आओ। ठीक है। ये है डैनी, ये अभी अभी नहा कर बाहर निकला है। मजा आ गया। डैनी! हेलो टिटीपो। हेलो। हेलो। ओ, क्या ये कोई नई ट्रेन है? हाँ, ये है लोको। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें कोई काम है? वो लोको रात को काम करते हुए डरता है। शायद तुम इसकी मदद कर पाओ, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। हाँ, प्लीज कुछ मदद करो ना डैनी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया डैनी। तो फिर चलने के लिए तैयार हो तुम? रुको 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 ना। ओ, डर लग रहा है। तुम्हें अंधेरे में डर नहीं लगता क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लोको। वाओ, कैसे डैनी? मेरा काम है पटरियों की जांच करना। ओ, पटरियां मुड़ी हुई हैं। मुझे अभी टीओ को बताना होगा। टीओ? बोलो डैनी। हार्बर जाने वाले रास्ते की पटरियां मुड़ी हुई हैं। ठीक है, समझ गया। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। पटरियों की जांच रेलगाड़ी के काम पर जाने से पहले करनी होती है, इसलिए मैं रात को काम करता हूँ। तुम रात को काम करते हो अकेले? शुरू में डर लगता था, लेकिन रात को काम करने में मजा आने लगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। रात को लोको डैनी के साथ चलता रहा। बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लोको, तुम कोई गाना क्यों नहीं गाते? गाना? हाँ, अगर तुम खुशी वाला गाना गाओगे तो डर नहीं लगेगा। पता नहीं, कोशिश करते हैं।
चू चू चलते जाओ तुम हंसते गाते, दिल से गाओ चग चू चू दुनिया को सुनाओ। चग चग चू चू चग चग चू चू चलते जाओ तुम हंसते गाते, दिल से गाओ चग चू चू दुनिया को सुनाओ। अब कैसा लग रहा है? अब पहले से अच्छा लग रहा है। लाइट्स फिर नहीं जल रही, बहुत अंधेरा है। इन बातों की जगह किसी और बात पर ध्यान दो, जैसे दोस्तों के साथ कोई मौज मस्ती वाली बात। हाँ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का कोई दिन। इन फूलों को देखो, कितने सुंदर हैं ये, बहुत सुंदर। एक दिन हम घूमने गए थे तो बहुत मजे किए थे। देखा लोगों, डर चला गया। वाओ, तुमने सही कहा डैनी। मैंने कहा था ना, डर को दूर करने के कई तरीके होते हैं। अरे लोगों, एक मिनट के लिए रुक जाओ। रुक जाओ क्यों? सिर्फ सुनो, आंखें बंद कर लो लोगों। हाँ? वाओ, इतनी अच्छी आवाज किसकी है? ये झिंगुरों की आवाज है, इन्हें रात के सन्नाटे में सुन सकते हैं। संगीत की तरह है। अब आसमान को देखो। आसमान को? लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं है। ध्यान से देखो। ध्यान से? वाओ, इतने सारे तारे। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत प्यारे। मुझे नहीं पता था कि रात इतनी सुंदर होती है। तो क्या कहते हो, अब तो तुम अकेले आ सकते हो ना? अकेले पता नहीं, पर शायद मुझे अभी भी डर लगेगा। अच्छा, तो कल भी मैं क्या तुम्हारे साथ चलूं? वाओ, तुम्हारा शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, दोस्त होते ही इसलिए हैं। हम दोस्त हैं? हम दोस्त हैं। ठीक कहा तुमने, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। टिटीपो टिटीपो। लोको। डैनी, तुम तो जल्दी आ गए, मेरी शिफ्ट तो बहुत देर से शुरू होगी। जानता हूँ, लेकिन एक जरूरी काम की वजह से मैं आज रात को तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। सॉरी। क्या, नहीं जा पाओगे? अब क्या करूँगा? याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मुझे यकीन है तुम अकेले काम कर लोगे। हाँ ठीक है डैनी। अब वक्त है लोगो का रात की शिफ्ट को शुरू करने का। काम से लौटोगे तो तुमसे मिलता हूँ लोगो। ठीक है। आज कोहरा भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं वही करूं जो डैनी ने सिखाया तो डर नहीं लगेगा। मैं कर लूंगा। डैनी अपना काम कर रहा है। ओह, काम हो गया। पता नहीं लोगों ठीक से काम कर रहा होगा या नहीं, और आज तो कोहरा भी काफी ज्यादा है। मैं जाकर उसे देखता हूँ। अरे कोहरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ओहो, मेरा फ्यूल भी खत्म हो गया। मैं इतनी जल्दी में था कि फ्यूल भरवाना ही भूल गया। ओह, रेल आ रही है, मुझे मदद चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ। सामान से लदा लोगो वापस शहर की ओर आ रहा है। जो डरते नहीं है वो मंजिल को पाते हैं, चलते जाओ तुम हंसते गाते। ये तो गाना गाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, मैं कोई मजेदार बात याद करता हूँ। दिल से गाओ चग चू चू चग चग चू चू सारी दुनिया को सुनाओ। चग चग चू चू चग चग चू चू। वाओ, कितने सुंदर है। लोको, अब हम अच्छे दोस्त हैं। मेरी मदद करो प्लीज। ये आवाज कैसी थी? वहाँ क्या है? मदद करो प्लीज। कोई भूत है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ, चल नहीं पा रहा। प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो। आवाज जानी पहचानी है। मैं यहाँ हूँ। ये डैनी की आवाज है, उसे जरूर भूत ने पकड़ लिया होगा।
तुम यहाँ अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। नहीं नहीं रुको, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उतार दो, उतार दो। भूतों के रेल स्थान में चलने का। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। डैनी, जब मुझे जरूरत थी तब डैनी ने मेरी मदद की थी। ठीक है, मैं कायरों की तरह नहीं भागूंगा, मैं आ रहा हूँ। डैनी, डैनी को छोड़ दो, डरावनी भूतिया रेल वो दोस्त है मेरा, मैं उसे छोड़ना पड़ेगा। अरे लोको, लोको, डैनी, भूतिया रेल ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? क्या भूतिया रेल? अभी तुम्हें भूतिया रेल ने पकड़ लिया था और तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अरे मैं चिल्लाया क्योंकि मेरा फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन मैंने भूतिया रेल को यहाँ देखा था। अरे कोहरे की वजह से मैं तुम्हें भूत लग रहा होऊंगा। कोहरे की वजह से? मुझे सच में लगा भूत है। कितना सुकून मिला मुझे। लोको डैनी को फ्यूल भरने की जगह पर ले जा रहा है। लोको एक बात बताओ, तुम्हें डर लग रहा था, तुम तब भी मुझे बचाने आए? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि भूतिया रेल तुम्हें अपने साथ ले जाए। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन इसीलिए तो दोस्त होते हैं। लोको तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई। तुम होते तो मेरे लिए यही करते ना। लगता है अब मैं रात की शिफ्ट अकेले कर सकता हूँ। अच्छा ये बात है। बिल्कुल डैनी। दोस्त की मदद करते हुए लोको जरा भी नहीं डरा। शाबाश लोको। चलो अच्छे दोस्त बन जाएं। लगता है छोटी रेलगाड़ियाँ गप्पे मार रही हैं और मजे कर रही हैं। तो सबसे अच्छी मालगाड़ी को ट्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। वाह, क्या सच में? ऐसा ही हुआ था। सिंग सिंग आई है, इसका काम खत्म हो गया होगा। सिंग सिंग, हाय सिंग सिंग। हेलो, सुनो सिंग सिंग, यहाँ आ जाओ, डीजल मजेदार कहानी सुना रहा है। सच कहा, मेरी तो हंसी ही नहीं रुकी। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी कहानी फिर से सुना सकता हूँ। सॉरी, मुझे आज जल्दी सोने जाना है। बाय। ओह ठीक है, मुझे पता था। क्या पता था? यही कि सिंग सिंग हमारे साथ नहीं खेलना चाहती। मुझे लगता है सिंग सिंग को अकेले रहना ज्यादा पसंद है। वो कभी हाय कहने के लिए धीरे नहीं होती और हंसती भी नहीं है। क्या सच में? हमेशा अकड़ में रहती है। मैं अकड़ में नहीं रहती, कल मुझे सुबह काम के लिए जल्दी उठना है। जूजू शहर में एक नया दिन। सिंग सिंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुनो सिंग सिंग, नहाने जा रही हो क्या? हाँ टीटीपो। डीजल ने सही कहा, सिंग सिंग कभी भी मुस्कुराती या हंसती नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है अब। सिंग सिंग, लाला, मैं मिस्टर हर्ब की तरह लग रहा हूँ ना? हाँ थोड़े थोड़े तो। टीटीपो, तुम तैयार हो? काम पर जाने का समय हो गया। अरे वाह। तुम हंस पड़ी। टीटीपो, अगर तैयार हो तो अपने रूम पर जाओ। ठीक है। मैंने वैसे ही बोला था ना। हाँ। स्टेशन आ गया। चलो पहुंच गए, वक्त से पहले पहुंच गए। काम पूरा हो गया। सिंग सिंग, मेरे लिए रुको। हाय टीटीपो।
तुम सच में तेज हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है तुम लकी हो। सच में? क्यों? तुम सबके बहुत अच्छे दोस्त हो टीटीपो। मुझे भी सबका दोस्त बनना है, पर मुश्किल है। हाय सिंह सिंह। बाय सिंह सिंह। मैं सबसे बहुत ज्यादा तेज हूँ और मैं बहुत कम स्टेशंस पर रुकती हूँ, तो मैं हाय भी नहीं कह पाती। लेकिन मैं सबकी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। तुम अच्छे दोस्त बनाना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम करोगे? विश्वास करो, मैं कर सकता हूँ। मेरे पीछे आओ। ठीक है। टीटीपो ने फैसला किया कि वो दूसरों से दोस्ती करने में सिंह सिंह की मदद करेगा। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम सबको हंसाओ। सबको हंसाना है? मुझे देखो। देखा, हंसी आई है ना? हाँ। बढ़िया, अब तुम कोशिश करो। मैं? मुझे ये सब बहुत अजीब लगेगा। इससे सबको हंसी आएगी, देख लेना। चलो ठीक है। ये कैसा था? लगभग ठीक किया। चेहरे को थोड़ा और बनाने की कोशिश करो। ये बिल्कुल ठीक था। पर ये बहुत मुश्किल था। अब हम स्पीड पर काम करेंगे। स्पीड तो मेरी बहुत तेज है ही। सिंह सिंह। रुक जाओ। क्या हुआ टीटीपो? मैं तो बस कहना चाहता था स्पीड कम करो। स्पीड कम करूं? हाँ। तुम हमसे तेज हो तो हम सबके लिए तुम्हारे साथ चलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा धीरे चलने की कोशिश करो। तब तुम्हें हमसे बात करने का समय मिल जाएगा। तुम ऐसा करोगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, धीरे चलो, धीरे चलो। अब तीसरी बात, अपने दोस्तों की तारीफ करो। तारीफ? हाँ, सभी ट्रेन्स को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अच्छा तो मेरी तारीफ करो। तुम्हारी? अभी करूँ? हाँ, शुरू करो। मैं जानता हूँ मेरी बहुत खूबियाँ गिनवाई जा सकती हैं। तुम सबसे अच्छी रेलगाड़ियों में से एक हो। सच में? मुझे भी लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी कौन सी बात तुम्हें बहुत अच्छी लगी, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब चलो भी, बताओ ना। टीटीपो, टीटीपो। टीटीपो से सीखने के एक दिन के बाद दोनों अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। लो वो आ गए। तुम ये कर सकती हो। टीटीपो। सिंह सिंह भी यहाँ है। हेलो। हेलो दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे वाह, दिखाओ ना, दिखाओ ना। क्या दिखाना चाहती हो? ठीक है, दिखाओ हमें। तैयार हो? सिंह सिंह, क्या हुआ तुम्हें? बीमार तो नहीं? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी से टीओ को दिखाओ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तुम पहले जैसी नहीं लग रही हो। कुछ तो अजीब है। हाँ सुनो दोस्तों, सिंह सिंह तुम दोनों को कुछ बताना चाहती है। अच्छा क्या बात है? शुरू हो जाओ। अब तुम जल्दी से इन दोनों की तारीफ करो। जेनी, मुझे लगता है तुम एक मजबूत और बहुत मेहनती रेल हो। तुम्हें सच में लगता है मैं मजबूत हूँ? हाँ डीजल, तुम बहुत साफ सुथरे और प्यारे हो। सिंह सिंह, मुझे लगता है तुमने उल्टा बोल दिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि जिनी साफ सुथरी और डीजल बहुत ताकतवर है। मैं ठीक से नहीं कह पाई। मैंने पहले तुम्हें गलती करते हुए नहीं देखा। मैंने भी नहीं। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं सच में मजबूत हूँ।
और मैं जितना तुम सोचती हो उससे ज्यादा साफ हूँ। काम बन गया। टिटिपो, सिंग सिंग। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं सबकी दोस्त बन पाई। देखा सिंग सिंग, मैंने कहा था ना मैं मदद कर सकता हूँ। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया है। कौन सा काम? एक साथ घूमने के लिए जाना। कहीं घूमने के लिए जाना है? बाहर घूमने जाना दोस्ती बढ़ाने का अच्छा तरीका है। तुम जाकर डीजल और जीनी से पूछो कि वो हमारे साथ घूमने चलेंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों। अब उनसे पूछो, जाओ ना। क्या हम चारों घूमने के लिए साथ चले? बहुत अच्छा आइडिया है, सब जाएंगे तो कितना मजा आएगा। मैं तैयार हूँ। मैं भी। आखिरकार पिकनिक पर जाने का दिन भी आ गया। वाह, कितना अच्छा दिन है। सच में बहुत अच्छा। बंदरगाह सबसे अच्छी जगह है क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। रास्ते में बात करना कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो समुद्र नजर आने लगेगा हमें। हाँ। सिंग सिंग। जी मिस्टर हर्ब। आज बहुत ज्यादा टूरिस्ट हैं, इसलिए हमें एक्सप्रेस ट्रेन की जरूरत है। क्या तुम आज दोपहर को काम कर सकती हो? जी। शाबाश, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ। ठीक है। क्या तुम्हें सच में जाना पड़ेगा? हाँ मिस्टर हर्ब, को मेरी जरूरत है। पर हम बस पहुँचने ही वाले हैं। सॉरी दोस्तों। मैं सिंग सिंग के साथ खेलना चाहती थी। मैं भी। हाँ, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। सच में? मेरे पीछे आओ। ए रुको। सिंग सिंग ने काम पूरा कर लिया है और अब घर लौट रही है। काश मैं पिकनिक पे जा पाती। सिंग सिंग। कैसी हो दोस्त? अरे दोस्तों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो पिकनिक? हम तुम्हारे बिना घूमने कैसे जा सकते थे? साथ में घर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। पिकनिक हम फिर कभी चले जाएंगे। शुक्रिया, तुम सब बहुत अच्छे हो। हमें शुक्रिया मत बोलो, अच्छे दोस्त ऐसे ही होते हैं। सही कहा। अपने अच्छे दोस्तों की वजह से सिंग सिंग आज बहुत खुश नजर आ रही है।